हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी नमस्कार आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट वेलकम टू एस एस पी द फाइन वे टू लर्न द द चैनल एंड द प्लेस वेर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर अश्क मोहब्बत विद फिजिक्स फिफ्थ ऑफ में नीट ट्वेंटी एग्जाम गया पेपर बहुत आसान था लेकिन आपका पेपर अच्छा नहीं गया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर काश हमें थोड़ा पहले आप मिल जाते या का थोड़ी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाती या कुछ और हम और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके गए होते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या आपके जो ट्रिक्स वाले वीडियोस थे वहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए आप में से कई सारे बच्चों ने सराहना किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जिन बच्चे जो बच्चे लगातार एस एस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं दे हैव सीन की जो हम ट्रिक्स के वीडियोज़ बनाते थे उसमें से कई बार आपके कई सारे क्वेश्चन हैं उनमें से एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन है जिसे देखते ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे और वो बात जो मैं हमेशा कहता था कि फिजिक्स का जो पेपर होता है सत्तर से अस्सी प्रतिशत नीट का पेपर सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होता है हमें सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है लेकिन सो so कॉल्ड महंगे महंगे कोचिंग क्लासेस के अंदर हम जाते हैं भीड़ का हिस्सा बनते हैं और फिजिक्स हमें इस तरीके से परोस दिया जाता है कि बस हमारे प्राण पहले ही निकल जाते हैं धराशायी हो जाते हैं और फिर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बायोलॉजी पर होता है और फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो हम केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं और ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हवा निकाल पाएंगे लगभग लगभग सौ के अंदर हवा निकालने का मतलब है ऑल इंडिया रैंक हमारी आएगी सौ के नीचे या हम फिजिक्स में इतना स्कोर कर जाएं या केमिस्ट्री में कर जाएं तो इम्पॉसिबल सा लगता है अगर आपका लक्ष्य ही शुरू से ऐसा है कि यार बायोलॉजी में कर रहा हूं मेरे बायोलॉजी में तीन आ जाएंगे बट वॉट अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिकॉज केमिस्ट्री फिजिक्स के बिना तो फिर आपका नीट का सिलेबस अधूरा है ना है ना तो ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चा इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने फ्री सीरीज प्रचंड दे रखा है अभी आगे का भी उसका अपडेटेड वर्जन मैं लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मन में ये संदेह है आज 12 तारीख है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सात दिन हो चुके हैं आपके नीट के गए कुछ बच्चों को यार वो तकलीफ हुई होगी आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना दिल को बहुत तकलीफ होती है आप में से कुछ बच्चों ने मूव ऑन कर लिया होगा आप में से कुछ विद्यार्थियों ने हुंकार भरी होगी फिर से वापस री रीअेम्प्ट करने की तो इस चैनल पर मैं हमेशा वीडियोस बनाते रहता हूं बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए या चैनल के वीडियोस को जाकर के देखिए कि जरूरी नहीं है कि आपका ये थर्ड अटैम्प्ट और फोर्थ अटैम्प्ट है जैसे मान लो आपका ये थर्ड अटैम्प्ट था ठीक है और अभी आपके मन में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट मतलब समझ रहे हैं इतना सा भी इतना सा भी अगर संदेह है ना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ नीट मेरे से क्यों नहीं हो रहा है मत कीजिए कोई मतलब नहीं है करियर यहाँ खत्म नहीं हो जाता देर आर लॉड ऑफ करियर ऑप्शन अवेलेबल एंड यू कैन गो इन मेडिकल सच बता रहा हूँ मेडिकल करियर में आप बना सकते हो बच्चा बिना नीट के इस पर मैंने दुनिया भर के वीडियोस बनाई है मैं इसी यहीं पर एक कमेंट में पिन कर देता हूँ टॉप थर्टी करियर्स हैं बीएससी करके भी आप कर सकते हो देखिए हर बच्चे की हालात अलग अलग हो सकते हैं परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स में वो है सक्षम है कि हाँ वो चलो बेटा एक और अटैम्प्ट दे दो लेकिन कुछ बच्चों के माँ बाप ने सपने देखा था अपना सब कुछ पेज करके ये आखिरी अटैम्प बेटा इससे ऊपर नहीं और आपसे नहीं हो पाया डोंट गिव अप इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही करना है डोंट गिव अप इन द सेंस आपको लाइफ में ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैंने माता पिता के वो सपने पूरे नहीं किए मैं गिर गया हार गया नहीं बच्चा जो दस बार गिरेगा ग्यारहवीं बार खड़ा होगा ना तो भी तू जीता है हारता वो है जो उठता नहीं है और तू मुझे पता है मेरा लाल बल गोपाल की तू उठ चुका है और तूने डिसीजन ले लिया है कि ठीक है यार मेरा थर्ड अटैम्प था फोर्थ अटैम्प्ट आई हैव बट अगर वो फायर है आग है तो आप कर लीजिए एक और अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मेरा जेनवन एडवाइस है बच्चों की अगर थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं निकला है तो यार इट्स ओके लाइफ में बहुत सारी चीजें करने को यही तो यही ये सिस्टम का ही तो सबसे बड़ा लूप होल है कोई नहीं बताएगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस वाले अगर आपके साढ़े तीन सौ आ रहे हैं तो आ जाओ भाई मेरे पास में एक बार अटैम्प्ट और दे लो मैं तुम्हें फिजिक्स में इतना दिला दूंगा केमिस्ट्री में इतना दिला दूंगा अगर सर इतने अच्छा पढ़ाए होते आप तो फिर आज ये स्थिति नहीं रही होती ना कि मेरे को ड्रॉप लेना पड़ता या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे पेपर तो बहुत ईजी था बच्चा राइट तो आपको ये डिसीजन लेना है किसी और के आने पर आप डिसीजन मत लीजिए पहली बात तो ये और अगर आपका ये इस साल ट्वेल्थ था उन बच्चों से बात करो बिकॉज बहुत सारे बच्चे बाबा एस एस के साथ थ्रू क्लास ट्वेंटी फोर या थ्रू पेड बैचेस खुद से जुड़े थे और उनका ये पहला अटेम्प था और पेपर इस तरीके का गया कि लगभग तीन मार्क्स आ रहे हैं थ्री हंड्रेड फोर मार्क्स आ रहे हैं बच्चा इस 300 से 400 में मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं अगर आप उसको दिल से फॉलो कर रहे हो आज से फॉलो कर रहे हो तो 160 प्लस आपके फिजिक्स में कहीं नहीं गए हैं कितना भी पेपर टफ हो कितना भी टफ हो एक होता है ना 180 में से 180 हर कोई कहता है मैं कहता हूं 160 प्लस हाँ भाई ठीक है एक प्लस कारण एक आध दो चार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको वक्त लग सकता है आपसे गलतियां हो सकती है बट ये तो टारगेट है ही एक प्लस आप ला सकते हो बेटा अगर आपका पहला अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए सो के आप सेकेंड अटेम्प्ट दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप अच्छे से ये साल पूरा जी जान लगाइए इस जर्नी में आपके फिजिक्स का पूरा का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सब कुछ टोटली फ्री चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा ऑलरेडी किया है एक बार फिर से कर दूंगा आप अगर मुझसे पर्सनली भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी चैनल पर आता है ना बच्चा उसको रियलाइज होता है कि काश यार बाबा एस एस पी चीको भैया पहले मिले होते तो आपको 160 प्लस लाना है तो कैसे लाओगे पहले तो आप अपने दिमाग को एकदम अच्छे से टारगेट बना करके चलो कि 2025 में हमें पेपर देना है तो 2024 के पेपर में हमने जो गलतियां की उससे हमने क्या सीखा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बायो के स्टूडेंट्स को कहाँ आता है जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं

उसके मार्क्स पक्के आने उसे बस अच्छे से याद कर लो और थोड़ी पीवाई की उसे आप लगा लो बट फिजिक्स में आता है कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो सो कॉल्ड महंगे महंगे कोचिंग क्लासेस के अंदर कहने को तो कराते हैं लेकिन वो बच्चा जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है जो जानना चाहता है कि ये कैसे आया क्वेश्चन उस पर कोई ध्यान नहीं देता आगे के बेंच पर बैठे हुए जो सो कॉल्ड होते हैं टीचर बस वो ध्यान रखते उन्हें पता है कि यार ये तो अच्छा पढ़ रहा है वो तो मार्क्स ला ही देगा अरे जो अच्छा पढ़ रहा है वो तो मार्क्स ला ही देगा ईश्वर की कृपा है उस पर लेकिन अच्छा टीचर, अच्छा टीचर शिक्षक वो है जो ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ करके लेकर के आए जो चाह रहा था कि कोई मेरा साथ दे दे मेरे पास ऑफलाइन में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बहुत बड़े बड़े जगह से आए रहते हैं अब मेरे पास अभी अभी रिसेंटली एक बच्चा आया है जो बड़े नामी गामी संस्था से है मैं नाम नहीं ले सकता है ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्तर पर हूँ और मुझे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ फिजिक्स और मुझे यही लगता है बच्चा कि मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाता हूँ तो एज़ अ स्टूडेंट बन के ही पढ़ाता हूँ इसलिए शायद बच्चों को इतना भाता है बाबा एस का फिज़िक्स उस बच्चे ने यही कहा कि सर मैंने आपकी सिर्फ वीडियोज़ देखी और मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैं रिग्रेट फील कर रहा था कि इतना फीस पिताजी ने पे कर दिया अगर आप पहले मिल गए होते सर तो मुझे पता ही नहीं था कि आप सूरत शहर में ही हैं अल्थान में जो है आपका स्टूडियो है उनके पापा आए मिले और बोले कि सर बच्चे का लगभग 500 मार्क्स आ रहा है लेकिन फिजिक्स की वजह से जो है इनका सिलेक्शन रुक गया मैंने कहा कोई बात नहीं सर मैं करा दूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि जहाँ से आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो ना बच्चा उसको तरीके से परोसा ही गलत जाता है अब अगर मैं आप लोगों को जेई मेन्स और एडवांस के क्वेश्चन कराऊँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा लोग यही गलती करवा रहे हैं जेई मेन्स और एडवांस का अप्रोच बहुत अलग होता है नीट का फिजिक्स का अप्रोच बहुत अलग होता है यहाँ पर बच्चे को ये सीखना होता है कि मुझे कितने फॉर्मूले याद है कितना जल्दी मैं क्वेश्चन को पकड़ पा रहा हूँ अग्री करते हो ना बच्चा ये बात से तो प्लीज कॉमेंट करना यस बाबा एस एस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो दिल को ये बात छू गई कि हम जो कोचिंग्स में सीखते हैं या कहीं और से सीखते होते हैं वहां ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जिसमें लंबा स्टेप पड़ता है और फिर वो टीचर बता के वही मारता है डीग अरे भैया हमने इतना बड़ा सवाल करा दिया मालिक काहिली कहाँ साबित करना चाहते हैं सर जी क्या जरूरत है एडवांस क्वेश्चन को जे मेन्स एडवांस में कराया जाए नीट के सवाल के लिए नीट के बच्चों को सिलेक्ट किया जाए तो अगर हम सिंगल फॉर्मुला बेस पर क्वेश्चन पर फोकस रहे तो हम आसानी से 150 ला सकते थे 140 ला सकते थे जो हम 60-70 पर अटक गए तो यही चीज बच्चा आपको अपनी गलतियों से सीखना है आप जहां भी पढ़ रहे थे आप एक बार सोचो कि जहां पढ़ रहे थे वापस वहां पढ़ने की जरूरत है आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं फिजिक्स के बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चा इवन यहां पर भी आप पढ़ सकते हो चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी गलतियों से सीखो आप कहाँ अटक रहे थे आप अटक रहे थे कि आप लगातार रिविजन नहीं कर रहे थे आप अटक रहे थे कि आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे आप अटक रहे थे कि आप कैलकुलेशन देख के छोड़ दे रहे थे अच्छा कई सारे टीचर्स क्या करते हैं रूट वाले जहां लगेगा कि सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां अगर वो टीचर करा रहे है तो बहुत अच्छी बात है नहीं करा रहा है टीचर मतलब तो आपका कैलकुलेशन वीक है आपको उस पर ध्यान देना है तो आपने जो भी 2024 में गलतियां करी है उसको रिपीट मोड पर मत करिएगा सबसे पहले तो यही बच्चा और ठान लो कि 2025 में मेरे को हवा निकालनी है किसकी नीट की

हर एक को घंटा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके रखा हुआ आप एक बार गो थ्रू करोगे प्रचंड सीरीज का ट्रस्ट मी फिजिक्स बहुत सारे लाखों बच्चों का ये है कि काश ये सर हमें पहले मिले होते चैनल हमें पहले मिला होता ठीक है तो आपको पढ़ना किस तरीके से फिजिक्स को पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर को अच्छे से समझ लीजिए कि वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वेक्टर्स uh, को एड कैसे करते हैं पॉलीगोन लॉ क्या है लामिस् थियोरम क्या है फिर एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं सब्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं फिर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं लॉ ऑफ पैरलोग्राम क्या है वेक्टर्स के एप्लीकेशंस क्या 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 है क्या है क्या है स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेक्टर ये सारा कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में मथा हुआ है तो हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मेन बच्चा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है यानी कि फॉर्मुला एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सीखा और उसका अप्लाई कर दिया मैं ऐसा ही कुछ टेक्निक हमेशा मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर रखता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी चैनल पर है बच्चों लेकिन नए सिरे से चैनल पर मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ प्रचंड का हिस्सा रिकॉर्डिंग आई विल नॉट गो लाइव क्योंकि आपको ही पता है लाइव में बहुत सारा समय जाता है जिस भी बच्चे को पढ़ना होगा वो हमारे लेक्चर्स को देख सकता है ठीक है अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं बच्चा देन यू हैव टू डाउनलोड के खान ग्लोबल स्टडीज जिसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ग्लोबल स्टडीज के बारे में ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरे भारत पे इतने अफोर्डेबल फीस पर आपको कहीं पर भी कोर्स नहीं मिलेगा पंद्रह से दो रुपए में आपका पूरा नीट का सिलेबस है बच्चा ठीक है लाइव क्लासेस डाउट सोल्यूशन एंड एवरी थिंग इज देयर हाँ मैं जिस बैच में हूँ वो 2026 तक चलने वाली है यानी मैंने बेसिक वाले बच्चों को पकड़ा हुआ है जिनको हर चीज सीखनी है राइट बहुत सारे शिक्षक हैं आप जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं अदरवाइज फिजिक्स हमसे ही पढ़ना है तो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर देख ही रहा हूं ठीक है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप एक ऐसी बुक ले लीजिए और आपके पास होगा भी क्योंकि आपने 2024 में भी एग्जाम दिया है तो आपके पास एक बुक होगा ही अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं ना कि वो सोचते हैं कि यार मैं सारी किताबें कर लू सारी किताब किसी से भी नहीं हो सकता ये फैक्ट है सारी किताब बच्चा किसी से भी नहीं हो सकता आप किसी एक किताब को दिल से फॉलो करके देखो आप 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 लोग कहते हैं NCRT करो फिजिक्स में NCRT का कोई महत्व नहीं रह जाता है है अपने आप आ जाती है अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, हो, तो हो, XYZ, हो के क्वेश्चन हो आप वो लगाना शुरू करिए अरे आपको हम गिन के कह रहे हैं तीस चैप्टर है बच्चा फिजिक्स में कितना चैप्टर है तीस चैप्टर है ना हर एक चैप्टर के अगर आप सौ सवाल भी लगाओगे ना यार तो तीस गुड़े सौ देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है तीन हजार सवाल बहुत मायने रखता है बच्चा तीन हजार सवाल बहुत मायने रखता है लेकिन फिर ये तीन हजार सवाल आपके दिल में उतरना चाहिए और इतने सारे क्वेश्चन तो मैं आपको अपने लेक्चर्स में ही करा दूंगा सारे के सारे लेक्चर्स में क्योंकि नए सीरीज अपलोड करने वाला हूँ वीडियो तो उससे बहुत सारी चीजें आप चेंजेस पाएंगे सो आर यू रेडी बच्चा पार्टी तो कमेंट में लिख दो यस बाबा एस एस वी आर रेडी टू बैंग बैंग अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मत बोलना ये इंसान ऐसा है ये इंसान वैसा है बेटा 2017 से लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं चाणक्य नीति आ रहा है चाणक्य नीति फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रचंड सीरीज पिछले दो तीन साल से चल रहा है इतनी चीजें कराते हैं और उसमें से एक आध दो बच्चा अगर ऐसे कॉमेंट करता है ना तो दिल तो थो थोड़ा दुखता है लेकिन फिर लगता है यार कि वही वाला थॉट फिर से कि एक हज़ार में से नौ सौ निन्यानवे बाबा एसपी को नफ़रत करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा इतने दिल से मोहब्बत करता है ना कि नौ सौ निन्यानवे की नफरत पर भारी पड़ जाता है कोई दिखावा नहीं है बच्चा चैनल पर कोई भी मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ ना ही कुछ करता हूँ आप सबका प्यार है जो बच्चे बहुत दिल से प्यार करते हैं और की कृपा माँ बाप का प्यार है ईश्वर का आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँचे कि आज खान ग्लोबल स्टडीज़ का भी हिस्सा है ठीक है चैनल पर सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए तो पढ़िए और अगर ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स आता है तो आप इग्नोरा बिल्कुल ध्यान मत दिया करिए है।, है ना कई सारे बच्चे सपोर्ट दिखाते हैं कमेंट कर रिप्लाई करते हैं कोई जरूरत नहीं बाबू किसी को कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं दुनिया है ही ऐसी कोई अच्छा काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देने की कोशिश करेगा उसे गिराने की कोशिश लोग करते हैं तो आप ध्यान मत देना ठीक है चलो तो कोई भी एक बुक करना है मल्टीपल चीजें आपको नहीं करनी है और बेटा एक सटीक टाइम टेबल फॉलो करो ना आप चाहो तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ लास्ट ईयर मैंने बनाया था और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी पूरा डिटेल एनालिसिस करके कि इतना चैप्टर इतने दिन ये दिन ये करो ये दिन ऐसा करो तो मेरे को इस पर टाइम लगेगा बट मैं चाहता हूँ आपके मैक्सिमम कॉमेंट आए इस पर सटीक टाइम टेबल ऑफ बाबा एस एस फॉर एक साल अगले एक साल के लिए तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा मैं इस पर वीडियो बना देता हूं ठीक है लेकिन जो भी टाइम टेबल मैं बनाऊं या जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हो उसको दिल से फॉलो करो यार छोड़ो मत ऑब्जर्वेशन लगातार करते रहे हर छठे सातवें दिन पर अपनी प्रिपरेशन का कि आप जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं कहाँ गलती हो रही है कौन सा टॉपिक आपका वीक पड़ रहा है कौन सा टॉपिक अच्छा चला गया कौन से क्वेश्चन में आपको तकलीफ आ रही है ये पूरा आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखो तो मजा आएगा एंड बच्चा लड़ते रहना है किससे बीस तेईस लाख बच्चों से नहीं अपने मन से देखिए मन ना सबसे बड़ा शत्रु है इस मन पर विजय प्राप्त कर रहे ना तो इसकी माननी नहीं है अगर इसका मानने लग गया कि ठीक है यार बहुत पड़ा चलना थोड़ा घूम के आते हैं चलना बात कर लेते हैं उससे बहुत दिन हो गया उसको देखे हुए भाई साहब फिर ये आपके सुनेगा नहीं फिर ये आपसे करवाएगा ये बहुत दुष्ट आदमी है इसीलिए अपने मन पर विजय प्राप्त करना है तो इसकी मानना बंद कर दीजिए इसके अपोजिट काम करिए मारिए खुद को कि भाई एक साल हमको फिर से मेहनत करना है मात्र एक साल दिल से मेहनत कर लीजिएगा ना दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है बच्चा तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि नीट 2025 हजार पच्चीस में सात सौ पार है आपकी इस जर्नी में बच्चा फिजिक्स की सारी जिम्मेदारी आप बस पढ़ने वाले विद्यार्थी हो ना तो आगे के आने वाले सीरीज को दिल से फॉलो करते रहना मैं वन शॉर्ट वीडियो बनाते रहूंगा तीस बनाऊंगा बच्चा एंड पूरे यूट्यूब पर मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट से बेस्ट होगा उससे बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा एक बार देखोगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे यू विल बी लव विद दैट एंड दिस टाइम प्रचंड विल बी मोर प्रचंड बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों थैंक यू सो मच See you all in the next class. Till then. Do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Take care. Love you all. Hind.